है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी जानकारी, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर आफताब की आज साकेत कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी राजधानी दिल्ली पुलिस। ये बड़ी जानकारी आज खत्म हो रही है, आरोपी आफताब की रिमांड, आज पॉलीग्राफ टेस्ट की मिल सकती है अनुमति। 5 दिन की रिमांड पर गया था आफताब और यहां पर रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की जाएगी। नार्को टेस्ट से पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ की अनुमति के बाद 10 दिन में पूरी प्रक्रिया होगी। आज खत्म हो रही है आरोपी आफताब की रिमांड, आज पॉलीग्राफ टेस्ट की मिल सकती है अनुमति। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ये प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को अपनाना होगा। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आफताब की रिमांड की मांग और बढ़ाने की मांग करेगी और देखना होगा कि कोर्ट से अब इसे मंजूरी मिलती है या नहीं। बेहद गंभीर ये मामला है और लगातार हम देख रहे हैं इस मामले को लेकर जब खुलासे हो रहे हैं तो यहाँ पर अब नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है और ये भी जानकारी दे दें कि जिसका मकसद ये पता लगाना होता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या फिर सच। इसके लिए एक मशीन की मदद ली जाती है। ये भी जानकारी दे दें कि ये मशीन पूछताछ के दौरान शरीर में आने वाले बदलाव को नोट करती है। जो भी हलचल होगी आपके शरीर में, अगर आपको टेंशन हो रही है, पसीना आ रहा है, तो ये भी इसका एक संकेत होगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर ये तय होता है कि इंसान चीजें छिपा रहा है या फिर नहीं, क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है तो उसके शरीर में एक डर और घबराहट पैदा होती है, उसी को ये नोट कर लेती है। आदमी के शरीर में झूठ बोलते समय अलग तरह से रिएक्शन दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉलीग्राफ को लेकर जानकारी दे रहे थे, क्या होता है नार्को टेस्ट वो भी आइए आपको बताते हैं। अधिकतर आपराधिक मामलों में ही नार्को टेस्ट किया जाता है। इसकी मदद से मन में सच्चाई निकलवाने का काम किया जाता है। जो मन से सच्चाई निकलती है वो नोट होती है इसमें। इसमें आरोपी ना पूरी तरह होश में होता है और ना ही बेहोश होता है, कॉन्शियस और यहाँ पर अनकॉन्शियस की स्थिति होती है। तभी किया जा सकता है जब आरोपी ने इसके लिए हामी भरी हो। तो यहाँ पर जो आरोपी है उससे भी हामी भरवाई जाती है, उसकी भी इसमें मंजूरी जरूरी होती है। इस टेस्ट में व्यक्ति को टूथ सीरम इंजेक्शन दिया जाता है। खून में दवा पहुंचते ही आरोपी अर्ध बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। टेस्ट के लिए सोडियम पेंटोथल, इसको पोलामाइन और सोडियम अमाइटल जैसी दवाएं दी जाती हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी शख्स के नर्वस सिस्टम में दखल देकर उसकी हिचक कम की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सच बोलने लगता है। जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की उपस्थिति में ये काम किया जाता है। ये भी जानकारी दे दें कि जांच अधिकारी आरोपी से सवाल पूछता है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है।